हेलो एवरीवन, तो आज हम दोबारा से दिखाने जा रहे हैं वन पंच मैन के फनी मोमेंट, सिग्मा मोमेंट एंड तगड़ा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक मेंटोर की तरह मुझे हर चीज सिखाइए। श्योर, थैंक यू, गुड नाइट मास्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं। हद है, मेरे ख्याल से मुझे किसी को शागिर्द बनाने से पहले सोचना चाहिए था, खास तौर पे इसे। मैं क्लास ए में 38 रैंक पर हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। कुछ ही दिनों में बाहर होंगे। नहीं। हाँ? जेनस ने फिजिकल और रिटन दोनों एग्जाम्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। वो कहीं ज्यादा काबिल है कि उसने आते ही क्लास एस में अपनी जगह बना ली। और दूसरा नया हीरो सायतामा, जो रिटन टेस्ट में तो कुछ खास न कर सका, लेकिन फिटनेस टेस्ट में उसका कोई जवाब नहीं, और इस तरह उसने ये एग्जाम पास कर लिया। जेनोस ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, उसका एस क्लास में होना इस बात की गवाही, और अपनी फिजिकल पावर्स की वजह से सायतामा भी जल्द तुम्हारे बराबर आ जाएगा। न्यूकमर सेमिनार अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी दुनिया में इसे कहते हैं नए चूजों को रास्ते से हटाना। बहुत से ऐसे हीरोज हैं जो नहीं चाहते कोई उन्हें पीछे छोड़ दे, इसीलिए नए आने वालों को हटा देते हैं। खुलकर आपसे डर सकूंगी। ये काफी अच्छा था, शुक्र है कपड़े बच गए। मुझे और स्पीड चाहिए। लगता है मैं जीत जाऊंगा, कोई हमदर्दी मत दिखाइएगा। चले शुरू करें मास्टर। नो वे। कम ऑन, मुझे भूख लगी है, लंच करते हैं। मेरा तो नूडल्स का मूड हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहकर भी मास्टर की पावर को अप्रोच नहीं कर सकता था, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता था। मास्टर का लेवल डिफरेंट है। क्या हुआ, नूडल्स खा लोगे ना? मुझे लगता है ये कुछ कर देगा। इसके इरादे ठीक नहीं लगते। हार मानी। तो क्या मैं जीत गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्लास ए रैंक वन। क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? लेकिन किस बारे में? शायद ये हमें नया समझ के लड़ने आया है, जरा ध्यान से जानो। समझ गया। आप यहीं रुके मास्टर, मैं आता हूँ। सुना है तुमने क्लास एस में खास तौर पर जगह बनाई है। हाँ ऐसा है, तो फिर तुम क्लास एस के ही काबिल थे, तभी तो क्लास ए रैंक वन का हीरो तुमसे यहाँ लड़ने आया था। नो मतलब कि वो यहाँ लड़ने नहीं आया था, तो वो यहाँ आया क्यों था? अगर आसान लफ्जों में कहूँ, वो मुझे वेलकम करने आया था। वेट, क्या कहा? इसका क्या मतलब है? जब तुमने जाने का कहा, मतलब सिर्फ रात तक ही था वो? यस, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ अब से? बिल्कुल नहीं।
मैं रेंट दूंगा रहने के लिए। कुछ दिनों से जिनोस मेरे घर पर रुका हुआ है, मालूम नहीं क्यों। ये तुम इतनी देर से क्या लिख रहे हो? मैं आपके लेसन्स और ट्रेनिंग सेशंस को सेव कर रहा हूँ। ये फिर से वही कर रहा है, जबकि मेरे पास इस शख्स को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं इस शख्स को धोखा दे रहा हूँ। सेमिनार में कह रहे थे कि अगर आप सी क्लास हीरो हो और आपने एक हफ्ते से कोई काम नहीं किया तो आपका नाम रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना मास्टर? उन्होंने ऐसा कहा? जी हाँ। तुम एक साइबॉर्ग हो, बॉडी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने दिमाग पर काम करो तो ज्यादा ताकत हासिल कर सकोगे। असल में तुमने अपने जहन की ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए पहले तुम्हें फाइट करनी होगी हीरो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। तुम्हारा मकसद क्लास एस हीरोज की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाना है। फिलहाल यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। शुक्र है बाल बाल बच गया। शहर में तो बिल्कुल खामोशी है। मैंने हार मान ली। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अब कल जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। हे, तुम तो वही हो ना, क्या नाम था तुम्हारा? खोया हुआ मौजा? नहीं रुको, बीमार घोड़ा। ओ हाँ, बिना तेल का लाल चाय। मेरा नाम स्पीड ऑफ सोनिक है। तुम्हारे और मेरे दरमियान आज फैसला हो ही जाएगा। हे सॉरी, मैं जरा बिजी हूँ। क्या लगता है तुम्हें मुझसे बचकर चले जाओगे? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भी था मैं बिजी हूँ, लेकिन अब मेरा दिमाग जो भी मेरे रास्ते में बन चुका है। तो गाइस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक एंड चैनल करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।